इसलिए दान करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। दानी हमेशा अपना लोक में भी यश पाता है और परलोक में भी उसकी जय जयकार होती है। दानी की कभी दुर्गति नहीं, दानम दुर्गति नाशनम, दान करने वाले की कभी दुर्गति नहीं हो। इसलिए हम कहा करते हैं आप लोगों से, यथा शक्ति थोड़ा ही सही, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान जरूर करो। गौरी गोपाल आश्रम में अन्य क्षेत्र चलता है, हजारों साधु संत भोजन करते हैं, कमाई का कुछ हिस्सा इस अन्न दान से जोड़कर संतों की सेवा करो। हजारों संत आपकी प्रसादी ग्रहण करेंगे, रोटी ग्रहण करेंगे, आपको आशीर्वाद दिया जाएगा। तो जीवन में किया गया पुण्य आपके साथ रहता है, पुण्य कभी कटता नहीं। अच्छा, ना तो पाप कटता है ना तो पुण्य कटता है। पाप तब कटेगा जब आप भगवान की शरण में जाएंगे, समर्पण करेंगे तो पाप कट जाएगा, पर पुण्य का फल आपको मिलता ही मिलता है, वो नष्ट नहीं होगा। पुण्य के स्वरूप भले भगवान ही मिल जाए आपको, इसलिए जीवन में पुण्य का मौका मिले तो छोड़ो मत। दधीचि ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाया, वज्र देवराज इंद्र ने लिया, वृत्तासुर से युद्ध किया तो वृत्तासुर ने दधीचि ऋषि की हड्डियों के वज्र को देखकर उसे ऋषि की हड्डियों में जिनका जीवन भगवान का दर्शन करते गुजरा है उनके हड्डियों में वृत्तासुर को भगवान का दर्शन होने लगा और वृत्तासुर भगवान की स्तुति करने लगे। अहम हरे तव पादै के मूला, दासानु दासो भवितास्मि भूया, मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते, गृणीत वा कर्म करोतु काय। अहम हरे तव पादैके मूला, अहम हरे तव पादैके मूला, दासानुदासो भवितास्मि भूया। हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति तो कर नहीं सकता, आपके भक्तों की भक्ति करना चाहता हूं। मैं आपके भक्तों की भक्ति करना चाहता हूं, मुझे अपने भक्तों की। देखो, भगवान के चरण नहीं पकड़ता भक्त, भगवान के चरणों को नहीं, जो भगवान के चरण पकड़ के रखे हैं ऐसे गुरुदेव भगवान के चरण भक्त पकड़ लेता है। इसलिए दासानुदासो, आप भगवान के पांव ना पकड़िए, जिन्होंने भगवान के पांव पकड़ रखे हैं उनके पांव आप पकड़ लीजिए तो आपका भी उद्धार हो जाएगा।